क्या आप इस साल दिल्ली की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से बीबीए प्लान कर रहे हो? क्या आपको पता है कि GGS IPU CET ऑल्सो कॉमनली नोन एज IPU CET के एप्लीकेशन फॉर्म्स अब रिलीज हो चुके हैं? क्या IPU CET में अपीयर होने के लिए आप एलिजिबल हो? क्या मैथमेटिक्स के बिना भी यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है? IPU CET का एग्जाम पैटर्न या मार्किंग स्कीम क्या रहेगा? क्या आप ये भी जानना चाहते हो कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं जहाँ पे लोवेस्ट फीस है? ये सभी क्वेश्चंस अगर आपके भी हैं तो बीबीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में बीबीए एडमिशन के लिए IPU CET 2024। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दृष्टि, मैं हूँ MBA ग्रेजुएट मार्केटिंग एंड HR, मुझे 4 साल से ज्यादा कॉर्पोरेट वर्किंग एक्सपीरियंस, जिसके बेसिस पे मैं आज आपको गाइड करने की कोशिश करूंगी। सो गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी CET यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट साल में एक बार कंडक्ट करता है बीबीए और उसके जैसे और भी कोर्सेज में एडमिशन के लिए। एक जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें इस टेस्ट में अपीयर होने के लिए या GGS IPU में एडमिशन के लिए, तो मिनिमम 50% आपको स्कोर चाहिए 12th में, और 12th किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने करी होनी चाहिए। इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट रहेगा एज अ कोर, फंक्शनल या फिर ऑप्शनल। यहाँ पे पैटर्न की अगर हम बात करें तो हर एक कोर्स के लिए IPU CET का पैटर्न वेरी कर सकता है। तो BBA कोर्स आपका 3 घंटे का एग्जाम रहेगा ऑफलाइन सेंटर बेस्ड, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे सेंटर्स कुछ एनलिस्टेड होंगे, उसमें से जो आपका प्रेफर्ड सेंटर होगा वहाँ पे जाके आपको ये टेस्ट देना रहेगा। 150 आपके क्वेश्चंस होंगे 600 मार्क्स के, तो प्लस 4 आपको अलॉट कर दिए जाएंगे हर करेक्ट आंसर के लिए और -1 डिडक्ट हो जाएगा हर इनकरेक्ट आंसर के लिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 4 सेक्शंस में आपका ये पेपर डिवाइडेड रहेगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी और आपका एप्टीट्यूड इन रिलेशन विद मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, और हर सेक्शन के 25% वेटेज होंगे। GGS IPU CET के स्केड्यूल की बात करें तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 1st February से, और 31st March 2024 लास्ट डेट है रजिस्टर करने के लिए। एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा 27th April to 14th May तक, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहेंगे 1500 rupees। प्रोविजनल एग्जाम सेंटर्स की बात करें तो लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, तो दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, ऐसे जितने भी एनलिस्टेड स्टेट्स हैं आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज करके ऑप्ट कर सकते हो और एग्जाम देने जा सकते हो। हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 लोवेस्ट फीस गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बारे में, उनमें फीस क्या रहेगी और सीट्स कितनी रहेगी। तो लिस्ट में फर्स्ट है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा, 60 सीट्स हैं यहाँ पे, फीस रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 79,400। एक्मन बिजनेस स्कूल ग्रेटर नोएडा, 30 सीट्स, 63,500 फीस। BM इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सोनीपत, 60 सीट्स हैं यहाँ पे आपकी और फीस रहेगी 79,400। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन नोएडा, यहाँ पे 180 सीट्स हैं, 79,400 फीस है। दिल्ली टेक्निकल कैंपस ग्रेटर नोएडा, 60 सीट्स हैं यहाँ पे, फीस अप्रॉक्सीमेटली 79,400। जिम्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस ग्रेटर नोएडा, 180 सीट्स हैं यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में और 30 सीट्स हैं यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में, फीस रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 79,400 फॉर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट्स। नेक्स्ट है KCC इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एंड हायर एजुकेशन ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे 180 सीट्स हैं और फीस है अप्रॉक्सीमेटली 79,400। SGIT स्कूल ऑफ मैनेजमेंट गाजियाबाद, 45 सीट्स हैं, फीस है 63,500। यूनाइटेड कॉलेज ऑफ एजुकेशन ग्रेटर नोएडा, 120 यहाँ पे सीट्स हैं, फीस है 79,400। ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन इन प्रोफेशनल स्टडीज ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे 90 सीट्स हैं और फीस अप्रॉक्सीमेटली 63,500। तो आप देख सकते हो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हमने डिस्कस करे हैं उनकी फीस 63,000 to 80,000 अप्रॉक्सीमेटली इसकी रेंज में होंगे। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली की लीडिंग यूनिवर्सिटीज में से एक है और 25 ईयर से ज्यादा का अकेडमिक एक्सलेंस आपके लिए लेकर आती है, एंड मोर देन 35 अफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स फॉर बीबीए यहाँ पे अवेलेबल हैं जहाँ से आप बीबीए परस्यू कर सकते हो। NAAC A++ अक्रेडिटेड है और 85% सीट्स यहाँ पे रिजर्व रहेंगी दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, एंड 15% सीट्स रिजर्व रहेंगी बाकी के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे मल्टीपल मेरिटोरियस और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स को एकेडमिकली बूस्ट करने के लिए। यहाँ पे 3 से 7 लाख एनम का एवरेज पैकेज आता है और हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 17 लाख से ऊपर का भी गया हुआ है। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने सारे एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लिए हो जैसे डेट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ताकि आप ऑन टाइम यहाँ पे GGS IPU के लिए रजिस्टर कर सको। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू बीबीए फंडास बाय सनस्टोन। अपने कोई भी डाउट्स हो या क्वेरीज हो उनको कॉमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर देना, ताकि हम उनको अपकमिंग वीडियोज में एड्रेस कर सकें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर।